खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। गुलुकारा मीशा शफी के खिलाफ हद तक इज्जत का दावा, अली जफर ने जल्द फैसले के लिए एक दरख्वास्त भी दायर कर दी। अदालत एक माह के अंदर अंदर हद तक इज्जत के दावे का फैसला करेगी, जबकि गुलुकार अली जफर की ये दरख्वास्त में मौकफ सामने आया। तफसीला जानेंगे हमारे नुमाइंदे अरशद अली से। अरशद, बताइएगा ये मामला कहाँ तक पहुँचा? जी बिल्कुल, इस केस के हवाले से अगर बात की जाए तो इस केस में जो है वो अब तक गोहान की शहादतें कलमबंद की जा रही हैं, जबकि इस वक्त जो है वो अली जफर की जानब से एक दरख्वास्त दायर की गई है अदालत में, जिसमें अली जफर ने ये मौकफ तैयार किया है कि जो हद के इज्जत का दावा है उस पर जो है वो अदालत उसको जल्द उस पर फैसला सुनाए, और इसके साथ साथ ये भी कहा है कि एक साल से ये दावा अदालत में जेर समात है, अब अदालत जो है वो एक माह के अंदर अंदर हद के इज्जत का दावा जो है वो दायर करे, जिस पर जो है वो अदालत ने नोटिस जारी करते हुए मीशा शफी से 19 मार्च को जवाब तलब कर लिया है। इससे कबल जो है वो मीशा शफी की जानब से जो है वो उसके वकला ने एक दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें ये कहा था कि अली जफर गोहान की लिस्ट फ्राहम करे, तब भी अली जफर की जानब से जो है वो गोहान की लिस्ट नहीं फ्राहम की गई थी, जबकि ये अदालत में मौकफ तैयार किया था कि अदालती वक्त जो है वो मीशा शफी जाया कर रही है, तो लिहाजा इस केस का जल्द जो है वो फैसला किया जाए। आज जो है वो बकायदा अली जफर ने एक दरख्वास्त अदालत में दायर कर दी है। ठीक है अरशद अली, बहुत शुक्रिया आपका।